हेलो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इन्वर्ट एंड ए फाइव इक्वल टू बी फाइव ए क्यू बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ दिस तो आपको कुछ कंडीशन दे रखा है और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है यानी आपको यहाँ पे दे रखा है कि दिस इज इनवर इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा नोट ज़ीरो ये क्लू आ गया आपको और ये सब भी दे रखा है ए फाइव इक्वल टू बी फाइव ए क्यू बी स्क्वायर ठीक है तो थोड़ा सा आपको आई क्यू कह सकते हैं कि लगाना होगा इस क्वेश्चन में कि आप ए क्यू माइनस बी क्यू और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को प्रोडक्ट करके देखिए क्या आ रहा है ठीक है ए क्यू माइनस ये हम नौ करके करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू इन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या आएगा या जा रहा है आपको ए का पावर फाइव प्लस ए क्यू बी स्क्वायर फिर माइनस बी क्यू ए स्क्वायर एंड माइनस बी का पावर फाइव ये हो जाएगा मैट्रिक्स प्रोडक्ट अब आपको ए फाइव इक्वल टू बी फाइव दोनों सेम दे रखा है तो ये कैंसिल हो गया ए क्यू बी स्क्वायर इक्वल टू बी क्यू ए स्क्वायर ये जीरो हो गया तो राइट साइड क्या हो गया आपको जीरो मेट्रिक्स बनी गया अभी यह मैट्रिक्स है तो अगर डिटर्मिनेंट लगाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स डेट मीन जीरो अब ये कह रहा है कि दिस इज नॉट जीरो इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है क्योंकि ये इन्वर्टेबल है तो इसका मीनिंग क्या हो गया डिटर्मिनांट ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू जीरो ओके okay? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो गया जीरो ओके थैंक यू